चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मीनिंग होता है कि किसी भी मटेरियल में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो करंट पास करने की वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेकिन यहाँ पे हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि नेचुरल में नेचर के अंदर बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें बिना करंट पास करे भी उनके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे बाहर तो मैं बताया मैग्नेट मिलते हैं, तो मैग्नेट में हम करंट पास करें कि ना करें वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास जनरेट करते हैं। तो हमें इस चैप्टर में उन मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बार मैग्नेट से। तो ये है एक बार मैग्नेट, उसमें दो टाइप के पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल एक होता है साउथ पोल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम इंडिकेट करते हैं। बार मैग्नेट जो है वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसकी मैग्नेटिक इनसाइड भी होती है और आउटसाइड भी होती है। लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस टाइप की होगी वो एक बार देख लेते हैं। जो इनसाइड वाला पोर्शन है अंदर साइड, तो अंदर साइड उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ से नॉर्थ होती है। कैसे होती है? साउथ से नॉर्थ ऑलवेज। और जो बाहर वाला सिस्टम है ये नॉर्थ से बाहर जाती है जैसे घूम के साउथ में वापस अंदर जाती है। और कुछ फील्ड ऐसे पूरा का पूरा एक सर्कल भी बनाते हैं। मतलब ये हुआ बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन नॉर्थ टू साउथ इन आउटसाइड ऑफ मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड ऑफ मैग्नेट। क्लियर? याद रहेगा इतना? बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। दूसरी बात, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती है। क्लोज लूप मतलब बाहर नॉर्थ से घूमते हुए साउथ में, अंदर साउथ से घूमते हुए नॉर्थ में। लूप कौन सा बनता है? क्लोज लूप बनता है। तुम्हें शायद याद हो डायपोल, याद है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल? यस सर। हाँ सर। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहाँ जाती थी? नेगेटिव। कोई भी लाइन रिटर्न नहीं आती थी, याद है? हाँ सर।
हमने उसमें लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, याद है सबको? हाँ सर। लेकिन इसमें मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। आई बात समझ बेटा, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। दूसरी बात, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives the direction of magnetic, gives the direction of resultant magnetic field. Resultant magnetic field at that point. Clear? दूसरी एक बात, two magnetic field lines never intersect. Now intersect each other. याद है क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये चीज थी, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? याद है कुछ? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट इंटरसेक्शन पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, two tangents are drawn which shows two direction of magnetic field two directions which is not possible. Yaad aa raha hai kuch chapter 1 mein tha. Clear everyone? हाँ सर। तो ये था तुम्हारा बार मैग्नेट और उसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरी बात, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बार मैग्नेट की वो देख लेते हैं। समझो ये बार मैग्नेट है, ठीक है। अब ये है तुम्हारा साउथ, ये है तुम्हारा नॉर्थ। समझो हमें ये इसका एक्सिस है, ठीक है, और एक्सिस से समझो हमें सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेट फील्ड फाइंड करना है यहाँ पे। तो हमने पढ़ा है अंदर की साइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो इस तरफ है, ठीक है। अब जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ है, ठीक है, राइट साइड है मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर मैं अपना राइट हैंड यूज करूं और थंब को राइट साइड रखूं, थंब को राइट साइड, तो फिंगर्स ऐसे बाउंड होंगी,
इस टाइप से, यहां से बाहर वहां से अंदर। मैं अगर राइट साइड में थंब रखूं और फिंगर्स को वाउंड करूं तो फिंगर्स ऐसे वाउंड होंगी, समझ में आई बात? हाँ बेटा, ये पता चला क्या किया मैंने यहाँ पे? हाँ सर। अब पूरा ध्यान, कंसीडर बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम। नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट ऑन इट्स एक्सिस। फॉर दिस इमेजिन अ सर्क्यूलर करंट लूप एट सेंटर ऑफ मैग्नेट देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्क्यूलर लूप ऑन इट्स एक्सिस इज। अब सर्कुलर लूप यानी हम रिंग की बात कर रहे हैं, तो रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, याद है किसी को? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³। याद है सबको? या एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? r³। गॉट इट? अब इसमें अगर मैं इसमें पाए से मल्टीप्लाई करूं और पाए से डिवाइड, तो पाए ए स्क्वायर एरिया बन जाएगा। पता चला ये? हाँ सर। अपॉन 2πr³। अच्छा, I इंटू ए क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, याद है लास्ट चैप्टर में? यस यस m अपॉन 2πr³। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, नीचे क्या हो जाएगा? 4πr³। तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ मैग्नेट या बार मैग्नेट कितना होता है, उसको बोलेंगे बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन r³। क्लियर? यस सर। अच्छा, एक और बात कि तुम्हें शायद इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड याद है? 2kp/r³। तो सेम देखो, वही आ गया, वो e था 2kp/r³, एक्चुअली ये था k इनटू 2p/r³। तो k की जगह यहाँ कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4π, 2p की जगह 2m है, यहाँ p डायपोल मोमेंट या m डायपोल मोमेंट, फर्क इतना है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन r³। समझ में आई बात? तो मतलब जो उसमें था ये यहाँ पे भी वही है। क्लियर? लिख लो फटाफट, लिख के मैसेज करो फास्ट।